हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही मेरे पास गाइस दो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो कि हैं इन कलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड की मैट मी लिपस्टिक्स, ये आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ही जो लिपस्टिक्स हैं गाइस, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की हैं एंड वहाँ से ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिली हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी बट मैंने लिया ही नहीं था अभी तक, क्योंकि मैं ज़्यादातर नायका से ही मंगाती रहती हूँ। तो ये मैंने अमेज़ोन पे देखा तो मैंने इसको 1 वीक अराउंड मैंने ये ऑर्डर किए। और ये दो शेड हैं, आप सभी को पता है शेड्स जो हैं वो वहाँ पर देखने से क्लियर पता नहीं चलता है, बट जब ये दोनों शेड आए तो गाइज ये मेरे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मतलब फेवरेट होने वाले हैं ये दोनों ही शेड्स मेरे। तो ये अल्ट्रा स्मूथ मैट लिप क्रीम है गाइज, बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर है इनका, अप्लाई करना इनको बहुत ज़्यादा इजी है। एंड शेड की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इतने परफेक्ट शेड्स हैं ये कि ये हर किसी की वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड्स हैं ये। तो फर्स्ट शेड की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीची रेड जो बोलते हैं कि वो वाला शेड है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है, अप्लाई करने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। एंड जो सेकेंड शेड है गाइज वो है मेरा न्यूड शेड, तो ये एक न्यूड पिंक शेड है। तो ये आपकी स्किन डस्की है तो अभी ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से जाएगा, डस्की स्किन पर बहुत अच्छे से जाएगा ये वाला शेड। एंड आपकी स्किन अगर फेयर है तो आप इस वाले को ट्राई कर सकते हैं गाइज, ये बेस्ट कलर है। तो मेरे को दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, दोनों ही बहुत प्यारे शेड्स हैं। एंड मैंने इसका जो है ये आप देख सकते हैं दोनों शेड मैंने अप्लाई किए हैं। तो ये नीचे वाला जो शेड है गाइज ये पीची पिंक शेड है एंड ये ऊपर वाला मेरा न्यूड शेड है, आप देख सकते हैं दोनों ही शेड्स गाइज बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो अप्लाई करना बहुत ईजी है, अल्ट्रा स्मूथ टेक्स्चर है। एंड अगर मैं इनकी स्टेइंग पावर की बात करूँ गाइज, तो ये जब आए थे तो ये मैंने इनको देखते ही जो है हाथ पर अप्लाई करके देखा था, उसके बाद मैंने घर में काम भी किया है पानी में, उसके बाद भी वो मेरे हाथ से नहीं हटे। एट लास्ट मुझे वो नाइट में उसको रब करके ही मुझे रिमूव करना पड़ा था, तभी जाके वो हटे थे, अदरवाइज़ ये इतना इजीली नहीं हटते। तो 8 to 10 hours तो आप इसको अपने लिप्स पर मानकर चलिए कि ये रहेगी ही रहेगी। तो क्योंकि मेरे जो है मैं कोई और लिपस्टिक नहीं मेरे रह पाती है, मतलब मैं ज़्यादातर मैट लिपस्टिक्स ही यूज़ करती हूँ जो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक टिक पाती है मेरे लिप्स पर। तो अब की बार जो मैंने ये वाली मंगवाई गाइज लिक्विड लिपस्टिक्स, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। और शेड तो आप देख ही सकते हैं गाइज, बहुत प्यारे से दोनों शेड हैं। शेड नंबर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो पीची रेड वाला मेरा शेड है गाइज ये है 408 एंड ये जो ऊपर न्यूड शेड है मेरा वो है 412। तो ये न्यूड शेड है ऊपर वाला फर्स्ट 412 एंड जो ये नीचे वाला है शेड गाइज वो है मेरा 408। बहुत प्यारे शेड हैं और बहुत अच्छा अप्लाई हो जाता है और बहुत अच्छी स्टेइंग पावर है, काफ़ी अच्छे टाइम तक भी ये टिकी रहती हैं और अफोर्डेबल रेंज में भी है साथ ही गाइज। तो आप एक बार तो कोई एक लिपस्टिक मंगा के ट्राई कर ही सकते हैं, आई होप कि ये आपको अच्छी लगेगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छी लगेगी ही गाइज। तो आई होप गाइज कि मेरा ये रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।